नानी नानी नानी, पता है स्कूल में क्या हुआ? आज ना स्कूल में टीचर ने हमें शार्क मछली के बारे में एक फिल्म दिखाई थी और उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई। पता है कितनी डरावनी होती है वो मछली? वो बहुत बुरी भी होती है, वो सबको खा जाती है। डरावनी लगती है तो ठीक है, लेकिन ये तो सोच कि वो शिकार करके खाएगी नहीं तो क्या करेगी? क्या करेगी? उसे थोड़ी कोई डाइनिंग टेबल पर नाश्ता मिलेगा। और बुरी तो हम उसको नहीं कह सकते भाई, तू उसको बुरा कहेगी तो सोच वो तेरे बारे में या इंसानों के बारे में क्या कहेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि और प्राणी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। और क्या, चल आज मैं तुझे शार्क बनकर शार्क की कहानी सुनाती हूँ। शार्क। अब बस ये सोच ले कि आज नानी नहीं एक शार्क तुझे अपनी कहानी सुना रही है। हाँ, शार्क की कहानी। हे भगवान, मुझे बताओ इंसान जैसे बेकार, कष्टदायी और खतरनाक प्राणी को तुमने क्या सोचकर बनाया? सच मेरे लिए तो अब बस बहुत हो गया इंसान। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, उसके नाम से ही मेरा जी मिचलाता है। पता है इस विशाल खुले महासागर की सबसे चलाक, सबसे डरावनी, सबसे गुस्सैल शार्क थी मैं। मेरा आतंक दूर दूर तक फैला था। बुद्धू से बुद्धू मछली दलों में भी इतनी अकल तो थी कि वे मुझसे दूर रहें। 500 मील के घेरे में कहीं एक बूंद भी खून बह जाए तो मैं तुरंत उसे सूंघ लेती और पलक झपकते ही वहां पहुंच जाती। बाकी सब शार्क मछलियां मेरे पीछे पीछे। शिकार कोई भी हो, मैं उस पर हमला करने में सदा सबसे आगे होती थी। ये जो समुद्र में आराम से सुस्ताती शार्क मछलियां तुम देख रहे हो, इन सब को खाना मेरे ही कारण मिलता था। मुझे लगता था कि इन्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं कभी कभी इनको भी डराती धमकाती रहती थी। आखिर मुझे अपनी और अपने नाम की इज्जत भी तो बनाकर रखनी थी। फिर न जाने कहां से यह इंसानों का दल टपक पड़ा। कैसे विचित्र जीव हैं, तुमने देखा है उन्हें कभी? अब सोचो, सीपियों के पास एक कवच या शेल होता है, कछुए के पास भी एक बहुत बड़ा कठोर शेल होता है, इंसान के पास भी ऐसा शेल होता है, पर हर इंसान के पास ऐसा शेल हो ऐसा नहीं है। उनका तो सारा का सारा दल एक ही शेल में घुसा रहता है। सीप और कछुए के शेल तो उनके शरीर के ऊपर होते हैं, पर इंसान का शेल उनके शरीर के नीचे होता है, उसे शायद वे नाव कहते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत तरह के जीव देखे हैं, परंतु ये बेतुके इंसान तो दुनिया से निराले हैं। खैर, आगे की कहानी सुनो। ये इंसान अपनी नाव में सवार बीच समुंदर आए। उनमें से कुछ अपनी नाव में से निकले और हमारे दल के बीचों बीच पहुंच गए। हम सब उनको देखने उनके इर्द गिर्द पहुंच गए, क्योंकि उनमें से कोई खतरनाक बू नहीं थी। हम तो केवल यह देख रहे थे कि हमारे बीच कौन या क्या उतरा है। वे बहुत ही अजीब से हरकतें कर रहे थे। उनमें से एक अजीब गुड़गुड़ की आवाज आ रही थी, उनमें से कुछ बुलबुले भी निकल रहे थे। अचानक एक ने मुझे कोई कड़ी और नुकीली सी पता नहीं क्या चुबा दी, और मैंने तो उसे कुछ किया भी नहीं था। ऐसा अपमान मैं सह सकती थी, वह भी पूरे शार्क दल के सामने? मुझे
इतना गुस्सा आया कि मैं उसे मारकर पूरा का पूरा खा गई। मेरे दल के सभी साथी शार्क सहम कर देखते रह गए और बाकी इंसान वो तो दम दबाकर अपनी नाव में लौट गए। वह दिन मेरे उस जीवन का अंतिम दिन था जब मैं अपने दल की स्वाभिमानी, चालाक, भयंकर, गुस्सैल और डरावनी नेता थी। इंसान मुझसे हजम नहीं हुआ। उस दिन से मेरा पेट ऐसा खराब हुआ कि अब तो मेरी जान ही निकल रही है। छोटी से छोटी मछली मुझे नहीं पचती। इस बीमारी के कारण मेरी सारी ताकत चली गई। मैं किस भय और सम्मान को याद करूं? अब तो ये सब शार्क मछलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, मुझे चिढ़ाने के लिए इंसान बनने का नाटक करती हैं। इतना अपमान मुझे जीवन में कभी नहीं सहना पड़ा। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इन सब नालायक शार्कों का दल इंसान के जाल में फंस जाए। ये सब जाकर उन्हीं इंसानों के साथ रहे जिनकी ये नकल करती हैं। कम से कम मेरा पीछा तो छोड़े। हाय मेरा पेट, बहुत दुख रहा है मेरा पेट। हाय हाय हाय। कहानी तो यहां खत्म हो गई। अब तुम सोचो कि क्या शार्क का इंसानों के लिए गुस्सा सही था? उसकी जगह तुम होते तो तुम इंसानों के बारे में क्या सोचते? सोचो सोचो सोचो। अच्छा, एक बात तुम्हें मालूम है, जब धरती पर डायनासोर घूमते थे उससे भी पहले समुद्र में शार्क होती थी। शार्क की सूंघने की शक्ति इंसान से 10,000 गुना अधिक होती है। हम तो पानी में ज्यादा दूर देख नहीं सकते, मगर शार्क की नजर भी इंसान से 10 गुना तेज होती है, तभी तो वह इतनी अच्छी शिकारी होती है। Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Sorry to say, but there's been a slight delay due to the apocalypse having suddenly begun. As you can see, there's death, destruction, and chaos taking place all around us. But don't you worry, food and drinks will be served shortly, and I would recommend checking out IVM Podcasts to get some of your favorite Indian podcasts. We'll keep you going till this whole thing blows over. Thank you.